हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन आर्ग्यूमेंट दैट टू ऑफ योर फ्रेंड्स हैड। अंदर के क्यूज हैं व्हेन इट हैपेंड, व्हाट वाज इट अबाउट, हाउ वाज इट सॉल्वड एंड हाउ डिड यू फील अबाउट इट। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। आपके कोई भी दो दोस्त के बीच में कोई मुद्दे को लेके कोई इश्यू हो गया, कोई बहस हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गई, उसके बारे में बात कीजिए। ऐसा कब हुआ था, बहस किस चीज़ को लेके हुई दोनों के बीच में, उसको कैसे सुलझाया गया और आपने इस पूरे इंसिडेंट्स के बारे में कैसा फील किया। अब देखेंगे कि जब हमें एक मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। सो व्हेन इट हैपेंड में मैंने लिखा है बिफोर अ फ्यू मंथ्स, आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। व्हाट वाज इट अबाउट, मैं आज बात करने वाली हूँ कि मेरे दो दोस्त के बीच में फूड को वेस्ट करने को लेके बहस हो गई और इसलिए मैंने लिखा है वेस्टिंग फूड। हाउ वाज इट सॉल्वड विथ एन आइडिया टू फीड द डॉग, स्ट्रीट डॉग को बचा हुआ खाना खिला के हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया। हाउ डिड यू फील अबाउट इट, डिसअपॉइंटेड एंड देन रिलीफ। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की पीडीएफ बुक को परचेज करना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस पीडीएफ बुक में पार्ट वन के क्वेश्चंस हैं, पार्ट टू यानी के सारे क्यू कार्ड्स हैं और उनके फॉलोअप क्वेश्चंस भी हैं। चलिए अब हम क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। बिफोर अ फ्यू मंथ्स आई हैड गॉन आउट विद टू ऑफ माई फ्रेंड्स फॉर डिनर एट अ पॉपुलर रेस्टोरेंट इन माई सिटी। सो हम यहाँ पे पहला क्यू आंसर कर रहे हैं कि थोड़े महीनों पहले मैं अपने दो दोस्तों के साथ एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। वी वर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड वी हैड अ लॉट टू कैच अप विद ईच अदर। हम बहुत लंबे समय के बाद एक दूसरे को मिल रहे थे और एक दूसरे को कहने सुनने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी। अ लॉट टू कैच अप यानी बहुत सारी चीज़ें जो कहनी सुननी बाकी थी। वी हैड डिसाइडेड टू रीच डायरेक्टली एट दी डाइनिंग प्लेस। हमने तय किया था कि हम खाने की जगह पे डायरेक्टली मिलेंगे। व्हेन आई रीच दी अदर टू हैड ऑलरेडी रीच्ड एंड दे वर वेटिंग फॉर मी। जब मैं पहुंचा तो वो दोनों पहले से उधर पहुंच चुके थे और वह मेरा इंतज़ार कर रहे थे। दे वर सिपिंग कॉफ़ी एंड वर ऑलरेडी आर्ग्यूइंग अबाउट द फ्लेवर एंड प्राइस ऑफ कॉफ़ी। सो हम अब शुरू कर रहे हैं बताना कि किस बारे में लड़ाई झगड़ा या फिर आर्ग्यूमेंट शुरू हुई। वो लोग कॉफ़ी पी रहे थे और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पहले से उनके बीच में बहस चालू थी कॉफ़ी के स्वाद को लेके और उसके दाम को लेके। देयर आर्ग्यूमेंट वॉज इंटरप्टेड व्हेन आई रीच्ड द टेबल। जब मैं टेबल के पास पहुंचा तो उनकी बहस में थोड़ी सी रुकावट आई, यानी मेरे वहां जाने से वो लोग आर्ग्यू करना बंद हो गए। वी ऑर्डर्ड सम पिज्जा एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स हुज नेम वॉज ABC कुड नॉट फिनिश टू स्लाइसिस ऑफ हिज पिज्जा। हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया और मेरा जो एक दोस्त जिसका नाम ABC था, आप यहाँ पे अपने दोस्त का नाम बोल सकते हैं, उससे पिज्ज़ा की दो स्लाइस खत्म नहीं हो पाई। दी अदर फ्रेंड XYZ गॉट अपसेट विथ दिस एंड आस्क्ड हिम नॉट टू वेस्ट फूड। दूसरा जो दोस्त था जिसका नाम XYZ था, आप यहाँ पे भी अपने दूसरे दोस्त का नाम बोल सकते हैं, उसको ये बात पसंद नहीं आई। वो ये फूड वेस्ट होते हुए देखने से अपसेट हो गया और उसने ABC से कहा कि प्लीज़ खाना वेस्ट ना करें। सो दिस वॉज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। सो हमने यहाँ पे बताया कारण, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े का, लड़ाई का मूल कारण। सो ये जो रीज़न था कि एक दोस्त ने खाना वेस्ट कर दिया और दूसरा दोस्त अपसेट हो गया इस बात को लेके, दिस वॉज द रीज़न फॉर द आर्ग्यूमेंट। ABC सेड दैट ही वॉज फुल एंड ही कुड नॉट ईट मोर। ABC ने कहा उसका पेट भर गया था और अब वो ज़्यादा नहीं खा पा रहा था। XYZ told him in harsh words that he should not have ordered coffee if he was not that hungry. XYZ ने उसे बहुत ही कड़क शब्दों में बोला कि अगर उसको इतनी भूख नहीं थी तो उसे कॉफ़ी ऑर्डर नहीं करनी चाहिए थी। According to him, it was not good to throw away food. उसके हिसाब से खाना फेंक देना अच्छी बात नहीं है। आई वॉज ट्राइंग टू काम देम डाउन एंड सडनली एन आइडिया स्ट्रक मी। सो अब हम बता रहे हैं उसको कैसे सॉल्व किया गया। मैं उनको शांत करने की कोशिश कर रहा था और अचानक मुझे एक आइडिया आया। वी डिसाइडेड टू गेट इट पैक्ड एंड फीड द स्ट्रीट डॉग आउटसाइड द रेस्टोरेंट। हमने तय किया कि वो जो बचा हुआ खाना था उसे हम पैक करवा देंगे और कोई भी स्ट्रीट डॉग को वो खिला देंगे। थैंकफुली विथ दिस आइडिया द हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टॉप्ड एंड वी रीच्ड एन एमिकेबल सॉल्यूशन। थैंकफुली ये आइडिया से दोनों के बीच में जो बहुत बड़ी बहस चल रही थी वो बंद हो गई और शांति से इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम बताएंगे हमने कैसा फील किया।
आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ, मुझे शांति हो गई. आई वॉज फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड दैट इन स्पाइट ऑफ मीटिंग आफ्टर सो मेनी डेज बोथ ऑफ देम स्टार्टेड क्वारलिंग ऑन अ पेटी इश्यू. मैं बहुत निराश हो गया था कि इतने सारे दिन के बाद हम मिल रहे थे, फिर भी दोनों मेरे दोस्त छोटी सी बात को लेके बहस करने लगे थे. देयर फाइट वॉज स्पॉइलिंग द मूड एंड द डिनर. उनके झगड़े की वजह से, उनकी लड़ाई की वजह से पूरा मूड और खाना खाने का जो समय था, डिनर था, वो सारा बिगड़ रहा था. वी वेंट आउट एंड फेड द डॉग एंड देन ऑल वर ओके. हम वहाँ से बाहर गए, हमने स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया और फिर सब ठीक हो गए. सो फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर क्यू कार्ड है उससे रिलेटेड जो फॉलो अप क्वेश्चंस हैं, थोड़े ही दिनों में उसकी वीडियो की लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगी और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप उसकी लिंक देख पाओगे. जैसे मैंने कहा, आप अगर मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेस करना चाहते हैं तो मुझे संपर्क करके आप उसकी सॉफ्ट कॉपी बाय कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट.